आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो सीखड़, और वो बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए उसकी रेसिपी बताती हूँ। देखिए, मैंने 1 लीटर दूध का मैंने दही जमाया है, और ये चीनी, हाफ कटोरी चीनी, ये पिसी हुई चीनी है, और ये 3 आम है। मेरी आम छोटी थी तो मैंने 3 ले लिया, नहीं तो आप 2 आम भी ले सकते। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स है, और ये 3 इलायची मैंने पीस रखी है। अब इसे कुछ नहीं करना है। ये देखिए मेरे पास एक कपड़ा था, सूती कपड़ा है, उसमें आप दही को इस तरह सारे को डाल दे, और इसकी पानी जितनी भी है सब निकल जाए, उसके बांध कर इसे रख दे। ये देखिए मैंने दही इसमें सारी डाल दी, और ये देखिए कपड़े को किस तरह फोल्ड करके एक ऐसे गांठ बनाना है इस तरह, और इसे बांध देना है छन्नी के ऊपर, और इसका पानी सारा गिर जाएगा। और इस तरह आप इसे रखकर छोड़ दे जब तक पानी पूरा ना हमारा निकल जाए। देखिए ये देखिए तब तक मेरा, जब तक दही ये उसका निकल रहा है पानी, तब तक मैं इसे आम को छील लेती हूँ और उसे कट करके पीस लूंगी। ये देखिए मेरा आम सारा कट गया, और मैं इसे पीस लूंगी। ये दही को देखिए मैंने छान लिया इस तरह, ये दही निकला है हमारा। 2 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला है, ये देखिए इस तरह निकलेगा। अब मैं क्या करूंगी, मैंगो पल्प को ले लूंगी, इसमें जो पिसा हुआ था मैंगो, इसे इस तरह इसमें डाल दूंगी, इस तरह सारी में, और फिर पिसी हुई चीनी, और ये हमारा इलायची जो हमने कूट रखा था, और इसे इस तरह, ये देखिए मैंने इस तरह सब में सारे कटोरी में डाल लिया, और इसे हिला लूंगी। अब मैं इसे ड्राई फ्रूट से इसे सर्व कर दूंगी। ये देखिए खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए चिकन बहुत, अब मैं इसे गार्निक करके इसे फ्रिज में रख दूंगी, और ठंडा होने पे इसे सर्व करूंगी। बहुत ही अच्छा लगता है ये ठंडा ठंडा, बहुत ही अच्छा लगता है।